हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की कैसे निकालना है वो सीखने वाले हैं। और अगर हमने एक बार हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख ली तो हम उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकते हैं, उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना कैसे है। आइए ध्यान से देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको बस वो फॉर्मूला याद करना है। और वो फॉर्मूला क्या है, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है एन, क्या कैलकुलेट करना है एन, ठीक है। तो एन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, किस पे होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के। तो सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना है। सेंट्रल एटम का मतलब होता है जैसे हमारे पास कंपाउंड है CH4, तो इस CH4 पे जो कार्बन है वो आपका बनेगा सेंट्रल एटम। हमेशा हम जब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बोलेगा, जैसे आप उसने बोला कि मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो वो मीथेन में C का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो सेंट्रल एटम कौन होता है हम पहचानेंगे कैसे, तो जो क्वांटिटी में कम दिख रहा है, जिसका नंबर कम है वो सेंट्रल एटम बन जाएगा जल्दी। जैसे CH4 में सेंट्रल एटम कौन बनेगा, सी, क्योंकि भाई हाइड्रोजन तो चार है, वो कार्बन कितने हैं एक। जैसे H2O, तो H2O में सेंट्रल एटम कौन बनेगा, H2O में सेंट्रल एटम कौन बनेगा, O, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे NH3 है, NH3 में सेंट्रल एटम कौन बनेगा, N, समझ गए। अच्छा जैसे यहाँ पे और ले लो एग्जांपल, जैसे मान लो आपने ले लिया H2O2 ले लिया, अब कौन बनेगा सेंट्रल एटम, अब O बनेगा सर, H2 नहीं बनेगा। ध्यान याद रखिएगा, H और F, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हम इनको सेंट्रल एटम कंसीडर नहीं करेंगे, हाइड्रोजन को भी और फ्लोरीन को भी हम सेंट्रल एटम कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी के लिए यही रूल है, जो नंबर में कम है उसको सेंट्रल एटम मान लो। हाइब्रिडाइजेशन किसकी कैलकुलेट करते हैं, बताएं या ना बताएं, याद रखिएगा सेंट्रल एटम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, किस पे, सेंट्रल एटम पे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, जितने भी मोनोवेलेंट एटम्स हैं उनको जोड़ना है। मोनोवेलेंट एटम्स का मतलब है आपको सिर्फ हाइड्रोजन अगर नहीं दिख जाए वो, उसके बाद सारे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम बोलते हैं मोनोवेलेंट एटम्स। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हम बोलेंगे मोनोवेलेंट एटम। यानी कि अगर आपको हैलोजन दिखे या हाइड्रोजन दिखे तो उनको काउंट करेंगे किसमें, मोनोवेलेंट एटम्स के अंदर। इसके बाद अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर दीजिएगा, नेगेटिव चार्ज को क्या कर दीजिएगा, ऐड, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कर दीजिएगा सब्ट्रैक्ट। बस चार चीजें करनी है आपको, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितने मोनोवेलेंट एटम्स हैं उस कंपाउंड में वो लिख दीजिएगा, उसके बाद अगर नेगेटिव चार्ज है तो जोड़ दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो घटा दीजिएगा, और इन सब को फाइनली डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, फाइनली डिवाइड कर दीजिएगा किससे, 2 से। तो यहां से एन की वैल्यू आएगी, अब एन की अलग अलग वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आएगी। बस 5 मिनट के लिए इसको देख लीजिए, इसके बाद ये 22 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद हो रहे होंगे, बस एक कंसेप्ट सीख लीजिए यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला है, अभी लगाएंगे बहुत आसान लगेगा आपको। तो सबसे पहले देखिए एन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 2, एन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2, तो 2 पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगी sp, कौन से हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और इस टाइम पे जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी लीनियर, ज्योमेट्री क्या आएगी लीनियर। इसके बाद अगर एन की वैल्यू हुई 3, एन की वैल्यू कितनी हुई 3, तो ज्योमेट्री आएगी sp2, और इस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2, और जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इसके बाद बात करते हैं n की वैल्यू अगर 4 होगी, तो n की वैल्यू 4 हो गई तो एक और p बढ़ा दीजिए, तो अब कितना हो जाएगा sp3, और इस टाइम पे ज्योमेट्री आने वाली है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसके बाद n की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब आप सोचिए, पहले sp था, फिर आपने सर sp2 किया, फिर आपने sp3 किया, क्या अब sp4 आएगा, sp4 आएगा क्या, नहीं भाई, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, तो p में एक ऑर्बिटल होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, 3 से ज्यादा तो होते नहीं है, तो p तो खत्म हो गया। अब p के बाद क्या आता है, सोचिए p के बाद d आता है, हाँ, तो p के बाद आएगा d, तो sp3 और d, sp3 d, और यहां पे जो ज्योमेट्री है वो है आपके पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इसके बाद देखिए n की वैल्यू 6 दे देते हैं, n की वैल्यू 6, तो d एक और बढ़ा दीजिएगा, अभी कितना हो जाएगा sp3 d2,
और इस टाइप में जो ज्योमेट्री आने वाली है इट विल बी ऑक्टाहेड्रल, इट विल बी ऑक्टाहेड्रल। और अगर n की वैल्यू 7 होगी लास्ट डे लास्ट, इसके बाद नहीं देखने को मिलेगा, साथ में क्या हो जाएगा बोलिए, sp3db कितना हो जाएगा 3, और इस टाइप में जो ज्योमेट्री आएगी इट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो बस आपको इतना याद करना है, इतना, इसके बाद आप सारे इतने सारे क्वेश्चंस की ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सब बता देंगे, इतने सारे क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन है उन सबके बता देंगे। बस ये याद कर लीजिए, एक बार मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले कैलकुलेट करना है एन, कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो सेंट्रल एटम का, दूसरा मोनोवैलेंट एटम को जोड़ो, नेगेटिव चार्ज अगर है, अगर कोई कंपाउंड पे नेगेटिव दिख रहा है तो उसको जोड़ दो, पॉजिटिव को घटा दो, उल्टा कर दो, नेगेटिव में जोड़ दो पॉजिटिव को घटा दो, जो भी आंसर आया उसको डिवाइड किससे कर दो, 2 से। तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई, एन की। अब एन की वैल्यू अगर 2 है तो sp3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 और इसी तरह sp3d3 हो जाएगा, समझ गए। और ये है आपकी उसकी करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान से सुनिए, देखिए एन की वैल्यू यहां पे 2 है, एन की वैल्यू यहां पे क्या है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, देखो कैसे आ रही है, यहां पे sp पावर देखो कितनी है 1, p पे पावर कितनी दिख रही है 1, तो 1 + 1 2, यहां देखो p पे पावर 2, sp पे कितनी 1, 2 + 1 कितनी 3, यहां देख लो जैसे 3 प्लस 3 प्लस 1 कितनी होगी 7, यानी n की वैल्यू को अगर आप निकालना चाह रहे हो तो यहां से निकाल सकते हो, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन दे दे कभी तो n की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे भाई, जितनी भी पावर्स हैं उनको जोड़ देना, बात समझ गया। अभी आइए करते हैं क्वेश्चंस, चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है CH4 की, आइए तो हमें आइए कंपाउंड है हमारे पास CH4, तो क्या आप कैलकुलेट करना है, हमें चार चीजें हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है हमें, सबसे पहले कैलकुलेट करना है एन, इनका फॉर्मूला याद है आप लोगों को, सबसे पहले एन के निकालने के लिए हम देखेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा है, तो सेंट्रल एटम कौन है भाई, कार्बन, तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकालने वाली है, कार्बन की, वो बताएगा नहीं आपको, तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकालने वाली है आपको भैया, कार्बन की। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, सबको बताया ना, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने, याद करो मोनोवैलेंट कौन होता है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 5 को याद रखना है, क्या मोनोवैलेंट है, हाँ, कितने हैं 4, तो 4 प्लस 4, और क्या कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं, क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, जो भी आंसर आया उसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, तो इट इज 8/2, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 4, n की वैल्यू कितनी आ गई है 4। अगर भाई साहब n की वैल्यू 4 आ गई है तो आप क्या बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन तो बता सकते हैं ना, n की वैल्यू अगर 4 आ गई है तो बोलिए हाइब्रिडाइजेशन 4 पे क्या होती थी, याद हो गई होगी आपको शायद टेबल, 4 पे होती है sp3, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3, जोड़ के देखो 3 + 1 = 4, सही है। इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है हमें, ज्योमेट्री, क्या हम बता सकते हैं कि ज्योमेट्री क्या होगी sp3 पे, ज्योमेट्री क्या होगी बता सकते हैं क्या, बिल्कुल sp3 पे ज्योमेट्री होने वाली है टेट्राहेड्रल, sp3 पे ज्योमेट्री होने वाली है टेट्राहेड्रल। अब ध्यान सुनना, बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे और लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जरा समझ लो, बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे n की वैल्यू देखो कितनी दिख रही है 4, ठीक है, और यहां पे देखो सराउंडिंग में एटम कितने हैं, देखो इसके आसपास कितने एटम है 4, तो 4 एटम होंगे तो 4 बॉन्ड तो बने होंगे, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं यहां पे 4, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4। अब बताओ लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर कितने होंगे, देखो लोन पेयर होंगे ही नहीं, क्यों भाई, देखो हमारे पास यहां पे n की वैल्यू कितनी है 4, वो चारों के चारों किसमें यूज हो गई बॉन्ड पेयर में, तो लोन पेयर कितने बचे 0। तो ये सारी बातें हमने निकाल ली CH4 के बारे में, नोट करिए इसको, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कैलकुलेट करनी है हाइब्रिडाइजेशन NH3 की, तो आप मुझे बता सकते हैं कि NH3 में किसकी कैलकुलेट करेंगे, n की, सेंट्रल एटम कौन है n, भाई नंबर में ये कम है ना, तो सेंट्रल एटम कौन हो गया n, फॉर्मूला याद है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने दिख रहे हैं, मोनोवैलेंट याद है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कितने दिख रहे हैं हाइड्रोजन 3, क्या प्लस चार्ज है नहीं, क्या नेगेटिव चार्ज है नहीं, डिवाइड किससे कर देंगे 2 से, तो इट इज 8/2 यानी कि 4, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन याद हो चुका होगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए sp3 हो तो ज्योमेट्री क्या होती है, बोलिए ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब ध्यान सुनिएगा बॉन्ड पेयर कितने होंगे,
देखिए कितने सराउंडिंग एटम, जितने सराउंडिंग में एटम होंगे उतने बॉन्ड पेयर है, तो सराउंडिंग में एटम कितने हैं तीन, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं तीन। हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है फोर, तो चार में से तीन बन गए बॉन्ड पेयर, तो फोर माइनस थ्री लोन पेयर कितने बचे वन, लोन पेयर कितने बचे वन। तो ये था केमिस्ट्री, नोट करिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास H2O। तो बोलिए H2O में सेंट्रल एटम कौन बनने वाला है O, तो हाइब्रिडाइजेशन किसके निकालने वाले हैं O की। तो क्या करते हैं सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने छह, मोनोवेलेंट एटम कितने दो, क्या प्लस चार्ज है नहीं, माइनस चार्ज है नहीं, डिवाइड किससे करेंगे टू से, सिक्स प्लस टू एट, एट बाई टू फोर, फोर पे बता दीजिए अब तो याद हो गई होगी, फोर पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर sp3 है तो ज्योमेट्री बोलिए जल्दी से, ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। बॉन्ड पेयर बताएंगे, देखिए O के पास सराउंडिंग एटम कितने हैं दो, तो बॉन्ड पेयर कितना दो, लोन पेयर फोर माइनस टू, फोर माइनस टू लोन पेयर कितने टू, समझ गए लिखिए। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में NO3 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, सेंट्रल एटम कौन है बोलो नाइट्रोजन, नंबर में कम है ना, ऑक्सीजन तो तीन है, चलो तो सेंट्रल एटम कौन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सबसे पहले कैलकुलेट करने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव, क्या कोई मोनोवेलेंट एटम है नहीं, मोनोवेलेंट याद है हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी नहीं है, क्या प्लस चार्ज है नहीं, नेगेटिव चार्ज है, तो जितना नेगेटिव है उतना जोड़ दो, कितना नेगेटिव है माइनस वन, तो जोड़ेंगे कितना प्लस वन, डिवाइड किससे करेंगे टू से, सिक्स बाय टू यानी कि थ्री, थ्री पे याद करिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2, चेक कर लो टू प्लस वन थ्री सही है, और sp2 पे ज्योमेट्री याद करो क्या होती है ट्राइगोनल, बोलिए ट्राइगोनल प्लेनर। अब ध्यान से सुनिए सराउंडिंग मैटर कितने दिख रहे हैं तीन, तो बॉन्ड पेयर तीन, लोन पेयर कितने बचे ही नहीं भाई तीन थे, तीनों के तीन तो बॉन्ड पेयर बन गए, लोन पेयर कितने भैया जीरो, नोट करिए। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में सेंट्रल एटम पहले ढूंढ लो कौन है, सही बोल रहे हैं क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का नंबर यहाँ पे कम है, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल एटम पे मोनो, सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सात, कितने मोनोवेलेंट एटम है, देखो क्लोरीन मोनोवेलेंट एटम कितने हैं तीन, क्या प्लस चार्ज है नहीं, माइनस चार्ज है नहीं, डिवाइड किससे करेंगे टू से, सेवन प्लस थ्री टेन, टेन बाय टू बोलिए बोलिए फाइव, फाइव पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देखिए sp3d होगी ना, क्योंकि चार तक यहाँ पे आया और ये पांच, देखो थ्री प्लस वन फोर प्लस वन फाइव, ज्योमेट्री बता पाएंगे पांच में क्या थे, पांच में होती है ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हाँ अब बॉन्ड पेयर बताओ, देखो सराउंडिंग में कितने एटम है तीन, तो बॉन्ड पेयर तीन, लोन पेयर बता पाओगे फाइव माइनस थ्री कितने हैं टू, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किसके लिए निकालना है बताए ना, सेंट्रल एटम के लिए, हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए निकालना है सेंट्रल एटम के लिए, ये सारी बातें क्लोरीन के लिए कर रहे हैं, सारी बातें किसके लिए कर रहे हैं क्लोरीन के लिए, नोट करिए। आइए सिक्स क्वेश्चन, CO2 सेंट्रल एटम ढूंढ लिया जी, कार्बन है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर, कोई मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ नहीं है, प्लस चार्ज नहीं है माइनस चार्ज नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड किससे करेंगे टू से, फोर अपॉन टू यानी कि टू, टू पे बोलो हाइब्रिडाइजेशन सबसे सिंपल है sp, यही होगी ना टू पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp, ठीक है तो ज्योमेट्री बोलो क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होने वाली है इसकी भाई साहब लीनियर, ज्योमेट्री क्या होने वाली है लीनियर, सुनिए तो बॉन्ड पेयर कितने बने, देखो सराउंडिंग में एटम दो, सराउंडिंग में एटम दो, बॉन्ड पेयर दो, लोन पेयर दो थे, तुमने दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर बना लिए, लोन पेयर कितने हो गए जीरो, समझ गए नोट करिए। आइए सेवंथ क्वेश्चन, SO42- माइनस में हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, सेंट्रल एटम सल्फर, नंबर में कम है, सल्फर के आखिरी में कितने होते हैं, सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली का है, तो जितने ऑक्सीजन के आखिरी में उतने सल्फर के आखिरी में, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह, कोई मोनोवेलेंट एटम है नहीं है, नेगेटिव चार्ज है कितना माइनस टू, जितना नेगेटिव उतना जोड़ दो, तो कितना जोड़ेंगे प्लस टू, उसको क्या करेंगे आधा, सिक्स प्लस टू एट, एट बाई टू फोर, फोर पे तो याद हो गई होगी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3, जब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तब तक ज्योमेट्री क्या होगी भाई साहब टेट्राहेड्रल होगी, बॉन्ड पेयर बता पाएंगे कितने, देखिए सराउंडिंग मैटर कितने दिख रहे हैं फोर, ठीक है फोर थे, फोर के फोर यहाँ यूज कर लिए, तो लोन पेयर कितने बचे जीरो। आइए एट क्वेश्चन, इसमें निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम मिल गया ज़ेनॉन, नंबर में कम है, ज़ेनॉन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, भाई नोबल गैस है ज़ेनॉन, तो आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आठ, सुनिए
मोनोवेलेंट एटम है फ्लोरीन, कितने हैं दो, कोई प्लस चार्ज नहीं, कोई माइनस चार्ज नहीं, डिवाइड किसे करेंगे टू से, दस बाय दो यानी कितना पांच, पांच में बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, पांच में होगी सर sp3d, सही है ना, ये होगी ज्योमेट्री, बोलेंगे क्या होगी ज्योमेट्री, क्या होने वाली है याद करिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सही है, बॉन्ड पेयर, देखो सराउंडिंग में एटम कितने हैं, ज़ेनॉन के सराउंडिंग में तीन यहां पे दो यहां पे, तीन प्लस दो पांच, तो पांच क्या बनने वाले हैं बॉन्ड पेयर, टोटल एन कितना था फाइव, तो सारे के सारे तो बॉन्ड पेयर हो गए, तो बचा कितना लोन पेयर जीरो। तो आइए कैलकुलेट करें यहां इसकी हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम कौन है आयोडीन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सात, मोनोवेलेंट एटम ब्रोमीन मोनोवेलेंट है ना, कितने हैं दो, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव को क्या करेंगे जोड़ेंगे, कितना नेगेटिव है माइनस वन, तो कितना जोड़ेगा प्लस वन, डिवाइड किससे करेंगे टू से, तो टेन बाय टू, ये टेन बाय टू हो गया, टेन बाय टू यानी कि फाइव, फाइव पे हाइब्रिडाइजेशन बोलिए sp3d, हाँ ठीक है, ज्योमेट्री बोलिए ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पांच पे क्या होती थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अब आओ बॉन्ड पेयर देखो, सराउंडिंग में एटम कितने दिख रहे हैं दो, तो बॉन्ड पेयर भी दो, फाइव माइनस टू, तो लोन पेयर कितने हो गए थ्री, नोट करिए, एसेंशियल टू में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं कैलकुलेट, तो सेंट्रल एटम SN होने वाला है, ठीक है, SN किस फैमिली का है कार्बन, 10 है ना ये, तो 10 कार्बन की फैमिली का है, कार्बन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन चार, तो SN के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार, मोनोवेलेंट एटम कितने लिखा है दो, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड किससे कर दो टू से, सिक्स बाय टू यानी कि कितना हो गया थ्री, थ्री पे हाइब्रिडाइजेशन याद है क्या होती है sp2, बोलो sp2 में क्या होती है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होगी sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, सराउंडिंग में एटम कितने दिख रहे हैं दो, तो बॉन्ड पेयर दो, थ्री माइनस टू, लोन पेयर कितने दिख रहे हैं वन। आइए ClO3 में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, क्लोरीन सेंट्रल एटम है, आखिरी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सेवन, कोई मोनोवेलेंट दिख नहीं रहा, नेगेटिव चार्ज कितना दिख रहा है माइनस वन, तो कितना जोड़ेंगे प्लस वन, उसको करेंगे आधा, एट बाई टू यानी कि फोर, फोर पे हाइब्रिडाइजेशन बोलिए sp3, जब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा ज्योमेट्री क्या होने वाली है, ज्योमेट्री क्या होने वाली है टेट्राहेड्रल, बॉन्ड पेयर बता पाएंगे, देखिए सराउंडिंग एटम कितने दिख रहे हैं तीन, तो बॉन्ड पेयर कितने तीन, लोन पेयर बता पाएंगे फोर माइनस थ्री, लोन पेयर हो गए वन। आइए 12th क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किसकी फैमिली का है नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच, तो फॉस्फोरस के भी पांच, ठीक है, पी से फॉस्फोरस पी से पांच हो गई, ठीक है, तो पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई मोनोवेलेंट दिख नहीं रहा, नेगेटिव कितना दिख रहा है माइनस थ्री, तो जोड़ेंगे कितना प्लस थ्री अपॉन टू, एट बाई टू यानी कि फोर, फोर पे हाइब्रिडाइजेशन बोलो भाई sp3, जब जब sp3 हुआ ज्योमेट्री क्या हुई टेट्राहेड्रल, बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं बोलिए चार, सराउंडिंग में एटम चार है ना, लोन पेयर फोर माइनस फोर जीरो। नेक्स्ट ICl2 माइनस कैसे करेंगे, सेंट्रल एटम आयोडीन है, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन, मोनोवेलेंट एटम टू, नेगेटिव चार्ज कितना है माइनस वन, जितना नेगेटिव उतना जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे टू से, टेन बाई टू यानी कि फाइव, फाइव पे हाइब्रिडाइजेशन बोलिए sp3d, ज्योमेट्री याद हो गई फाइव की, इट इज ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सराउंडिंग में एटम देखिए कितने हैं दो, फाइव माइनस टू थ्री, दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर। आइए फिर 14th क्वेश्चन, यहां पे किसके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, आर्सेनिक के, सेंट्रल एटम आर्सेनिक है, नंबर में कम है, तो बोलिए नाइट्रोजन के आखिरी में कितने होते थे पांच, फॉस्फोरस के में भी पांच, इसी फैमिली का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए पांच, कोई मोनोवेलेंट एटम तो नहीं है, नेगेटिव चार्ज कितना दिख रहा है माइनस वन, तो जोड़ेंगे कितना प्लस वन, डिवाइड किससे करेंगे टू से, सिक्स बाय टू यानी कि थ्री, थ्री पे हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे sp2, जब जब sp2 होगी ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड पेयर बता पाओगे कुछ नहीं, सराउंडिंग मैटर देखो कितने तीन, तो बॉन्ड पेयर तीन भाई, तीन थे तीन के तीन यही यूज कर लिए, तो लोन पेयर कितने हो गए जीरो। चलिए
यहाँ पे आयोडीन के हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक क्या हो रहा था ना, एक सेंट्रल एटम होता था और बाकी साइड वाले एलिमेंट होते थे, जैसे CH4 हो गया, तो आपको समझ में आ रहा था कि सर C जो है सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन साइड वाले एटम्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा कौन सेंट्रल है और कौन साइड वाले एटम्स है। तो सुनिए, क्या आई थ्री माइनस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई टू माइनस, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। तो ये बनेगा सेंट्रल और ये दोनों बिहेव करेंगे साइड वालों की तरह, ठीक है। तो बोलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आयोडीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस मोनोवेलेंट एटम में हाँ कितने हैं 2, मोनोवेलेंट में इसको मत काउंट करना, इसको भूल जाओ, मोनोवेलेंट में कितने हैं ये 2 है, कितना नेगेटिव चार्ज है -1, तो कितना जोड़ेंगे +1, डिवाइड करेंगे आधे से 10/2 5 पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है sp3d, ज्योमेट्री बता पाएंगे आप लोग 5 पे, बार बार वही आ रही है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वन पेयर बताओ, देखो इसके सराउंडिंग में कितने एटम दिख रहे हैं, इसको देखो इसको, इसके सराउंडिंग में कितने दिख रहे हैं 2, तो लोन पेयर कितने हुए 5 - 2, यानी लोन पेयर कितने हुए 3, तो ये वाला जो आयोडीन है इसके आसपास 2 और आयोडीन होंगे और इसी वाले आयोडीन पे ये जिसको हमने सेंट्रल माना है इसके पास लोन पेयर कितने होंगे 3। आइए 16 क्वेश्चन करते हैं, यहां पर इसके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे सल्फर की, भाई सेंट्रल एटम सल्फर बनेगा नंबर में वही कम है, तो आप सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवेलेंट एटम क्लोरीन है ना कितने हैं 2, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, डिवाइड किसे करेंगे 2 से, 8/2 कितना हो गया 4 पे हाइब्रिडाइजेशन अब तो याद हो गई होगी sp3, ज्योमेट्री बोलेंगे टेट्राहेड्रल, बॉन्ड पेयर देखिए सराउंडिंग में एटम कितने हैं 2 + 2 यानी 4, तो बॉन्ड पेयर 4, भाई 4 यहां थे चारों के चार है बॉन्ड पेयर बन गए, लोन पेयर कितने हो गए 0। 17th क्वेश्चन, किसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ज़ेनॉन की, सेंट्रल एटम ज़ेनॉन है, ज़ेनॉन नोबल गैस है, तो बोलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास 8, मोनोवेलेंट एटम 4, डिवाइड किसे करेंगे 2 से, 12/2 यानी कि 6, 6 पे हाइब्रिडाइजेशन याद है इट इज sp3d2, ठीक है, और ज्योमेट्री क्या होती है 6 की, ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड पेयर बोलो सराउंडिंग में एटम कितने हैं 4, तो बॉन्ड पेयर भी 4, लोन पेयर 6 - 4 2। आइए यहां पे कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन n की, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवेलेंट एटम 4, जितना प्लस चार्ज है उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, प्लस चार्ज कितना दिख रहा है 1, तो सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे 1/2, तो ये हो गया 8/2 यानी कि 4, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड पेयर बता पाएंगे देखिए 4 सराउंडिंग एटम है तो बॉन्ड पेयर 4, 4 - 4 लोन पेयर कितने बचे 0। चलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे किसकी, ओ की, तो ओ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवेलेंट एटम 3, जितना प्लस है उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना सब्ट्रैक्ट कर दो -1, डिवाइड किससे कर दो 2 से, इट इज 8/2 यानी कि 4, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री जब जब sp3 है ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, सराउंडिंग में एटम देखिए कितने हैं, ओ के सराउंडिंग में 3, तो बॉन्ड पेयर 3, 4 - 3 लोन पेयर 1। चलिए इस क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन किसके निकालेंगे, क्लोरीन, ठीक है, तो मोनोवेलेंट एटम कितने कौन है क्लोरीन है, तो क्लोरीन के सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आखिरी में 7, मोनोवेलेंट एटम 3, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, डिवाइड किससे करेंगे 2, 10/2 यानी कि 5 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री बोलेंगे ज्योमेट्री है इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बॉन्ड पेयर देखिए सराउंडिंग में एटम कितने दिख रहे हैं 3, तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 5 - 3 2। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हम हमारे पास है NO2+, तो सेंट्रल एटम कौन है N, तो हाइब्रिडाइजेशन किसके निकालेंगे N, N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5, कोई मोनोवेलेंट तो नहीं है और पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना पॉजिटिव उतना क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहां हो जाएगा -1/2 4/2 यानी कि 2, 2 पे हाइब्रिडाइजेशन याद करिए क्या होने वाली है sp, और ज्योमेट्री क्या होने वाली है लीनियर, देखिए सराउंडिंग में एटम कितने हैं 2, तो बॉन्ड पेयर भी कितने हो गए 2 और लोन पेयर कितने हो गए 0, ठीक है, तो अब आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे
मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के हो सकते हैं, जितने भी ज्योमेट्री के बॉन्ड पेयर लोन पेयर के हो सकते हैं, वो अब आप सबसे बन जाएंगे। जिन क्वेश्चन पे स्टार लगे थे वो या तो नीट में आए हुए हैं या तो वो JEE में पूछे गए हुए हैं, तो आपसे वो भी आपने कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।